दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाड़ी अहमद शहजाद ने कोहली और गंभीर की आईपीएल 2023 के दौरान बहस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे हिसाब से गलती गंभीर की है और इसके चलते गंभीर को बड़प्पन दिखाते हुए कोहली को फोन करके उनसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गंभीर कोहली के मैदान में उपलब्धियों से जलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गौतम गंभीर को व्यक्तिगत रूप से विराट कोहली को फोन करना चाहिए और आईपीएल 2023 के झगड़े के लिए माफी मांगनी चाहिए। लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इनाका स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल 2023 के लीग चरण के मैच के बाद गंभीर और विराट कोहली के बीच तीखी बहस हुई थी। दरअसल अहमद शहजाद नारिद अली ब्रॉडकास्ट में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने गंभीर और कोहली के बीच विवाद पर अपने विचार साझा किया। उनका मानना है कि एलएसजी मेंटोर के आरसीबी बल्लेबाज से माफी मांगनी चाहिए। अहमद ने कहा कि देखिए, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं अपनी राय सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने मुझसे पूछा है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं बाहर से चीजों को देख रहा था तो मेरे अनुसार यह गंभीर की गलती थी। अगर वह अपना बड़प्पन दिखाना चाहते हैं तो गौतम गंभीर को विराट कोहली को फोन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अगर गंभीर ऐसा करते हैं तो वह एक बड़े इंसान के तौर पर सबके सामने आएंगे। वह विराट कोहली से असली प्यार करते हैं। कैसे उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कोहली को सौंपा था। शहजाद ने आगे भी कहा कि देखो, ये तो बुरा लग रहा है, मैंने अपने जीवन में कभी किसी टीम मैनेजमेंट के सदस्य को खिलाड़ी के बीच लड़ाई में कूदते नहीं देखा। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि शहजाद ने गौतम गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई के पीछे की वजह भी बताने की कोशिश भी की है। उन्होंने कहा कि मैदान पर कोहली के रिकॉर्ड्स के कारण गंभीर को उनसे ईर्ष्या हो सकती है। दोस्तों, ये कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय।